हेलो गेमर्स, के हाल चाल। आज है हमारे पास रेडमी 12 5G, जो बहुत ही बेहतरीन कम प्राइस में बहुत ही बेहतरीन मोबाइल है। इसका हम करने वाले हैं BGMI टेस्ट, इसका रिव्यू देंगे। इसका जायरो किस प्रकार है, इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है, कितना ग्राफिक्स में चलता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास जो वेरियंट है ये वाला 8GB वेरियंट के साथ आता है, 256GB स्टोरेज का साथ आप देख सकते हो। MIUI 14 के साथ ये मोबाइल बेस्ट है। अभी 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आपको 15,710 रुपए यानी कि 15,000 के आसपास आपको ये मोबाइल मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही बढ़िया ये मोबाइल है। इसका लुक कुछ इस प्रकार है। इसका प्राइस की बात करें तो 15,710 रुपए के आसपास, यानी कि आप कार्ड ऑफर लगाकर 15,000-14,000 के आसपास ये मोबाइल आप ले सकते हो, जो बहुत ही बेहतरीन मोबाइल है। इस परफॉर्मेंस में बिगर डिस्प्ले, गेमिंग बेटर डिस्प्ले आपको मिल जाता है। और प्रोसेसर का बात करें तो Snapdragon 4 Gen 2 यानी कि इंडिया का फास्ट सेकेंड आपको प्रोसेसर मिल जाता है, सेकेंड जेन का, जो बहुत ही बढ़िया है। 4mm पर बेस्ट है, ये भी एक खास बात है। 4mm बेस्ट होने के लिए आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया मिलेगा। चलो ज्यादा देर नहीं करते हैं, BGMI को ओपन करते हैं और आपको टेस्ट वगैरह दिखाते हैं, कितना परसेंट टेम्परेचर होता है विदाउट गेम प्ले के बाद, कितना परसेंट टेम्परेचर है। अभी इस मोबाइल का हम आपको ये दिखा देते हैं, शो कराते हैं। अभी 32 के आसपास टेम्परेचर है, 32 के आसपास फ्रंट साइड 33। चलो इस बार BGMI को ओपन करते हैं, 1 2 3। आप देख सकते हो एक ही साथ दोनों को प्रेस कर चुके हैं। कितना देर बाद BGMI को ओपन कर सकता है ये मोबाइल हम आपको दिखाएंगे। चलो देखते हैं टाइम और सेकेंड। आप देख सकते हो बहुत ही टाइम फास्ट जाता हुआ, क्राफ्टन को लोग आता हुआ। रेडमी 12 5G लुक बहुत ही बेहतरीन है, 3 मॉड्यूल कैमरा के साथ। अभी तक गेम ओपन नहीं हुआ, अभी तक साउंड ही आया है। देखते कितना टाइम में गेम ओपन होता है। 30 सेकेंड हो चुके, 33 सेकेंड, 35 सेकेंड। गेम ओपनिंग टाइम 35 सेकेंड के आसपास गेम ओपनिंग टाइम हुआ है। इस प्राइस पॉइंट ने बहुत ही बेहतरीन है, 35 के आसपास। चलो 38% बैटरी परसेंटेज में हम गेम प्ले करेंगे। एक TDM के बाद कितना परसेंटेज रहता है चलो दिखाते हैं हम आपको। और नॉर्मल टेम्परेचर 32-33 के आसपास था। इस बार गेम प्ले करने के बाद कितना परसेंटेज देता है और जायरो कितना बढ़िया है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ये मोबाइल इस पॉइंट में आपको लेना है या नहीं। Let's go. Classic mode. The blue team has scored for the first time. जायरो का बात करें तो जायरो इतना ठीक नहीं है, भागो जायरो इतना बढ़िया नहीं है, बहुत ही डिले वर्क कर रहा है जायरो। हम फुल सेंसिविटी रख चुके हैं, लेकिन जायरो इतना बढ़िया वर्क नहीं कर रहा है। हम आपको दिखा देते हैं जायरो का सेटिंग। सेंसिविटी में आकर जायरो, अब जायरो देख सकते हो फुल सेंसिविटी के साथ, नो स्कोप रेड डॉट फुल जायरो के साथ, लेकिन जायरो मूवमेंट इतना खास नहीं है इस मोबाइल का, बहुत ही डिले है जायरो। आप देख सकते हो बहुत ही बहुत ही डिले है। टच रिस्पॉन्स सही है, जायरो ठीक ठाक एडजस्ट नहीं होने के कारण कुछ इस प्रकार का गेम प्ले हो रहा है, बहुत ही परफॉर्मेंस बेकार। कौन मार रहा है भैया, चलो देखते हैं इस बार क्या होता है।
हम जिस प्रकार जायरो इसका समझे थे, लेकिन जायरो उतना बढ़िया नहीं है इसका। क्योंकि गेम पहले में इतना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही जायरो ढीले है और थोड़ा परफॉर्मेंस भी ड्रॉप मिल रहा है। एफपीएस का बात करें तो हम आपको एफपीएस भी दिखाते हैं, एफपीएस वगैरह आपको शो कराते हैं। बूस्टर मोड आपको 40 एफपीएस का गेम प्ले होता है, यहाँ पर दिखा रहा है 70 एफपीएस, लेकिन नहीं, आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं, हम ग्राफिक्स दिखाने भूल गए थे। ग्राफिक्स का बात करें तो हम आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। ग्राफिक्स आपको स्मूथ पर अल्ट्रा यानी कि 40 एफपीएस का गेम प्ले मिलता है। 40 एफपीएस भी बढ़िया से नहीं निकाल के देता है, क्योंकि हम आपको परफॉर्मेंस कंपराइज करके दिखा देंगे कंपराइजमेंट, क्योंकि इससे आपको IQ Z7 जो मोबाइल है वो बहुत ही बढ़िया 40 एफपीएस होता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया एफपीएस परफॉर्मेंस जाता है। और हाईएस्ट ग्राफिक्स कहाँ तक जाता है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। बैलेंस अल्ट्रा यानी बैलेंस पर भी आप 40 एफपीएस खेल सकते हो। HDA पर हाई और अल्ट्रा HDR नॉट कमिंग सून यानी कि HDR HD हाई पर आप खेल सकते हो हाईएस्ट ग्राफिक्स, और स्मूथ पर अल्ट्रा यानी कि हम अभी स्मूथ पर अल्ट्रा ही खेलेंगे 40 एफपीएस। और कलर एंटीलाइजेशन को हम आपको दिखाते हैं कितना एक्स तक होता है, 4x तक हो जाता है, एक बढ़िया बात है। चलो गेम प्ले को देखते हैं किल होता है या नहीं, और एक भी किल नहीं हुआ है। जायरो बहुत ही डीले भैया, बहुत ही डीले, क्या बताया आपको। विदाउट जायरो हमारा गेम नहीं बनता और जायरो इसमें वर्क नहीं करता। बच गए, हम तो बच गए। भागो रे। ये सांप सो के है, सांप को तो मारना पड़ेगा, सांप को भी नहीं मार पाए भाई, ये क्या जायरो है रे, गलत वार्क हो रहा है। ये तो नॉर्मल किल हो जाना, स्वॉर्ड गन से चिपका दिया, एक भी किल नहीं बना है। इतना बड़ा मैच चला गया, एक भी किल नहीं बना है। आप कहोगे कि हम नूब है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत ही किधर किधर से चिपका रहा है। गेम पहले शेष होने की लगभग है, टेम्परेचर आपको दिखाते हैं 32-33 के आसपास था, इस बार कितना होता है हम आपको दिखाते हैं 35, यानी कि कुछ ही मिनट का गेम प्ले करने के बाद आप देख सकते हो टेम्परेचर 3% बढ़ चुका है। यहाँ पर 32, यहाँ पर 35, प्रोसेसर एरिया ज़्यादातर हीट हो रहा है। बैक पैनल यहाँ पर 35.4 डिग्री के आसपास। प्रोसेसर एरिया बहुत ही यानी कि 36 डिग्री के आसपास चला गया है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इतना ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कूलिंग वगैरह सिस्टम नहीं है। हम यही कहेंगे आपको, इस मोबाइल से बढ़िया इस प्राइस पॉइंट पर आप IQ का Z7 ले सकते हो। अगर आपके पास बजट नहीं हो तो आप ये वाला ही IQ का मोबाइल ले सकते हो, कंपराइजमेंट में वो वाला मोबाइल बढ़िया रहा। अगर उस मोबाइल का रिव्यू देखना चाहते हो तो हमारा आई बटन पर क्लिक करना और डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो कंपराइजमेंट, आपको पता चल जाएगा। और हम आपको ज़्यादा देर नहीं करते, हम आपको दोनों मोबाइल का स्पीड टेस्ट वगैरह हम आपको दिखा दें। हम जो रिव्यू देते हैं वो सच रिव्यू देते हैं, क्योंकि हमें कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिलता है। ये मोबाइल हमारे दोस्त ने परचेस किया है, उसके पास से लेकर आके हम रिव्यू बना रहे हैं। यहाँ पर कोई कुछ दोगलापान नहीं है रिव्यू देने में। जरूर हमारे इस प्रकार वीडियो पाने के लिए
मोबाइल के साथ जानने के लिए ये मोबाइल आपको लेना चाहिए या नहीं। इस प्रकार वीडियो आपको देखने के लिए जरूर से जरूर हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ये मोबाइल का एक खास बात, यहाँ पर आपको 3.5 जैक मिल जाता है, यानी कि अभी ज्यादातर मोबाइल पर ये वाला पॉइंट हटा दे रहा है, लेकिन इसमें है।